हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ठहरो ठहरो, इसका सत्कार करके फेंको। अधर्म करने जा रहे हैं महादेव, इनकी मति भ्रष्ट हुई है। मैया, सगर पुत्रों का यह दुस्साहस देखकर तो मैं भी भयग्रस्त हो गया हूं। नारायण नारायण, ये ऋषि नहीं पर्वत से टूटा हुआ कोई टुकड़ा है जो गदा का प्रहार सहन कर रहा है। तो फिर इस पत्थर को उठाकर फेंक देते हैं। ठहरो ठहरो, इसका सत्कार करके फेंको। बलशाली हैं और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी हैं। हम इस अग्नि अस्त्र का विनाश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम मायावी हो, अपनी माया से हमें डराना चाहते हो। परंतु हम उनमें से नहीं जो माया से भयभीत हो जाएं। उल्टा हमें देखकर सब भयभीत होते हैं। हे मायावी, हमारी शक्ति से पूरी पृथ्वी कांप उठती है। मायावी युद्ध हम भी कर सकते हैं। मैया, सगर पुत्रों का ये दुस्साहस। नारायण नारायण नारायण। सगर पुत्रों, तुम अपनी शक्ति से उन्मत्त हो गए हो। तुम भूल गए हो कि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालना राक्षसों का काम है, अयोध्या के राजकुमारों का नहीं। मायावी कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। जिस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा और तुम्हारा शीघ्र अतिशीघ्र पतन होगा।
मृत सर्प डाला है ना मेरे गले में, तुम सबको काल सर्प डसेगा, वो भी शीघ्र। तुम्हारा पतन निश्चित है सगर पुत्रो। हमें काल सर्प डसेगा? हमारा शीघ्र पतन होगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। शगुन है महारानी।